आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान जनता द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 16 जिलों पर आज जनता अपना वोट डाल के कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है। तो जिसको देखते हुए देश के कई दिग्गजों ने ट्वीट करते हुए जनता से अपील की है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तीसरे चरण के चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने पंजाब और यूपी की जनता से अपील करते हुए लिखा कि जनता ज्यादा से ज्यादा वोटिंग देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण का जो मतदान है वो पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसमें 16 जिलों पर मतदाताओं द्वारा वोट डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी ने जनता से ज्यादा वोट देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। वही तीसरे चरण के चुनाव को देखते हुए अमित शाह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदाताओं से अपील है कि वो प्रदेश को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण से मुक्त रखकर विकास को गति देने वाली सरकार को चुनने के लिए अपना एक एक वोट दें, क्योंकि उनका एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि तीसरे चरण को लेकर 16 जिलों में मतदाताओं द्वारा वोट डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के दिग्गज लगातार ट्वीट के जरिए जनता को अपने खेमे में लाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। वही तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए सीएम योगी ने भी ट्वीट कर सभी लोगों से वोट देने की अपील की है। इस दौरान ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर और नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और साथ ही जन जन के उत्थान के लिए सभी जनता अपना मतदान देकर प्रदेश में भाजपा की सरकार को चुने। वही कांग्रेस नेता ने चुनाव पर ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में इस दौरान वोट पर रहे बदलाव, प्रदेश में आएगा, नई सरकार बनेगी तो नया भविष्य बनेगा। आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वोट उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, जबकि बदलाव देश भर में आएगा, अगर नई सरकार बनेगी तो नया भविष्य बनेगा। चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश की तरक्की, खुशहाली व यूपी के विकास के लिए सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालने जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। वही तीसरे चरण के मतदान को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट करते हुए जनता से वोट डालने की अपील की है। इस दौरान मायावती ट्वीट में लिखती हैं कि प्रदेश की 59 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होगी, सभी मतदाता बढ़ चढ़कर अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि उनके वोट से वो खुद का अपना उद्धार करेंगे, साथ ही साथ प्रदेश का भी उद्धार होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।